ई-कॉमर्स पोर्टल से की गई ऑनलाइन शॉपिंग में धोखाधड़ी या गलतियों की शिकायतें अक्सर आती हैं, जिसमें या तो कभी स्मार्टफोन या अन्य डिवाइस के डब्बे के अंदर ईंट, साबुन या कोई अन्य वस्तु मिलने की घटना शामिल होती है, या कभी कभी तो ऑर्डर की अदला बदली जैसी घटना भी घट जाती है। ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट ने अपने बिग बिलियन डे सेल 3 अक्टूबर से शुरू की थी। कंपनी की ये सेल 10 अक्टूबर को खत्म हुई थी। फ्लिपकार्ट के इस सेल में कस्टमर्स के लिए ऑफर्स की भरमार की गई थी, जिसमें से एक एप्पल के आईफोन्स पर भी थी। ऐसे में ऑफर्स देखकर कस्टमर्स ने भी इसे जल्द से जल्द खरीद लिया, लेकिन एक कस्टमर को आईफोन खरीदना बेहद भारी पड़ गया। हालांकि फ्लिपकार्ट पर काफी लोग ट्रस्ट करते हैं, लेकिन हाल ही में एक यूजर के साथ धोखाधड़ी हुई है, जिससे इसको लेकर कंपनी की प्रामाणिकता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस कस्टमर ने जब सेल के दौरान आईफोन 12 खरीदा तो उसे आईफोन की जगह साबुन की बट्टी डिलीवर हुई, जिसका इस कस्टमर ने वीडियो भी पोस्ट किया है। आइए देखते हैं पूरी वीडियो और जानते हैं क्या है पूरा मामला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिमरनपाल सिंह नाम के एक यूजर ने हाल ही में ऐसा दावा किया है कि फ्लिपकार्ट द्वारा मंगाए गए आईफोन 12 की जगह उन्हें निर्मा का साबुन मिला है। सिमरनपाल ने फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल में 53,000 रुपए का आईफोन 12 खरीदा, लेकिन जब उन्हें डिलीवरी मिली तो उन्होंने देखा कि उस डब्बे में एप्पल के फोन की जगह निर्मा साबुन की दो बट्टियां पैक होकर आई थी। गो एंड्रॉइड नाम के एक पेज ने यूट्यूब पर इसकी वीडियो को भी अपलोड किया है। सिमरनपाल को जब बॉक्स खोलने पर साबुन मिला तो उन्होंने सबसे पहले डिलीवरी को कंफर्म करने वाले ओटीपी की रिक्वेस्ट को मना कर दिया, जिससे कंपनी के पास ऑर्डर की डिलीवरी के पेंडिंग होने की सूचना आ रही थी। हालांकि कई दिनों की मशक्कत और डिलीवरी वाले से बातचीत के बाद ओपन बॉक्स डिलीवरी के ऑप्शन के कारण फ्लिपकार्ट ने अपनी गलती को माना और ऑर्डर को कैंसिल करके रिफंड को इनिशिएट किया, और फिर कुछ दिनों में रिफंड के पैसे यूजर के अकाउंट में आ गए। आपको बता दें कि ऐसा हर बार तो नहीं होता, लेकिन यह भी मानकर नहीं चला जा सकता है कि ऐसा कभी होगा ही नहीं। साथ ही सुरक्षित रहने के लिए आपको भी हम यही सुझाव देंगे कि किसी भी ऑर्डर को प्लेस करने से पहले ओपन बॉक्स डिलीवरी के ऑप्शन को चुनें, ताकि आप डिलीवरी रिसीव करने से पहले चेक कर सकें, या फिर आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी चुन सकते हैं, ताकि सामान को देखने के बाद ही आप पैसे दे पाए। जनतंत्र टीवी के लिए सुधांशु चौरसे की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।